हेलो विर्गो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक रीडिंग करने वाली हूँ। जुलाई फर्स्ट 10 डेज में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में। तो अगर आप विर्गो हैं या फिर आप विर्गो के साथ डील कर रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपके सन मून वीनस राइजिंग में कहीं पर भी विर्गो है तो भी आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर मैच करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक कर देना। तो देखते हैं क्या है विर्गो की लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके लव लाइफ में, उनके करियर में। लेट्स फाइंड। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, लगता है उनके करियर में काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। उनके फाइनेंस में हो सकता है कि उनका प्रमोशन हो जाए या फिर उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब में उनको कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है तो हो सकता है कि वहां से कॉल आ जाए उनके लिए। मैजिशियन, वाओ, यस, आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने अचीवमेंट के लिए। ठीक है, आप काफ़ी टाइम से हार्डवर्क कर रहे हैं कि आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स अचीव हो। ठीक है, आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, सब कुछ अच्छा हो, तो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई में कुछ बड़ा न्यू सरप्राइज आपको मिल सकता है। गुड स्टार्ट। वाओ, द एम्परर एंड द जजमेंट, 3 major arcana। ओ माई गॉड, तो यस डेफिनेटली आप लोगों जो भी आप ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं विर्गो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। ठीक है, द एम्परर, हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिच हैं, आप एक रिच फैमिली में आपका जन्म हुआ है और डेफिनेटली आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आप कुछ ऐसा कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। ठीक है, और यस, और अगर आप डेफिनेटली अगर आप रिच नहीं हैं तो आप इतना हार्डवर्क करेंगे, आपने बहुत लंबे टाइम से, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका या तो आपके आपका खुद का बिजनेस है या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, विद द एम्परर तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आपने अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करा है, आप काफ़ी ज़्यादा ना मतलब हाई पावर में हैं अभी अपने। ठीक है, और यस, आपका स्ट्रगल गॉड ने देखा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जजमेंट आपके साथ होने वाली है जिससे कि ना आपकी लाइफ में बहुत हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं और क्या है विर्गो की लाइफ में, क्या चेंजेस और आ रहे हैं। तो मनी में तो आप खुश हो जाइए, जिस तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं करिए, 100% लगाइए, आपका आपके फाइनेंस में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। हैप्पी चेंजेस, गुड चेंजेस। ओके ओके, वी हैव लॉट ऑफ कार्ड्स, सो आई विल टेक the sun card, 6 of pentacles and 5 of pentacles, 10 of swords and victory, 6 of wands. Okay, जी, तो हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है, काफ़ी कुछ स्ट्रगल करा है। ठीक है, हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है उसमें भी आपका कुछ अच्छा चल नहीं पा रहा होगा। ठीक है, आपने बहुत कुछ स्ट्रगल करा है, बहुत कुछ फेस किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है ना, जितना आपने स्ट्रगल करा है पास्ट में, ठीक है, वो सब अब आपको ना एक अच्छा एक रिवॉर्ड मिलने वाला है गॉड की जजमेंट के साथ। ठीक है, जितना भी आपने गो थ्रू करा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई मंथ आपके लिए बहुत बेस्ट मंथ होने वाला है। यहीं से ना आपके अच्छे टाइम की शुरुआत मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लास्ट जो कार्ड आया वो है 6 of wands, तो ये विक्ट्री कार्ड होता है। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, ये जो कार्ड है ना द मैजिशियन,
ये कार्ड होता है, ये जो इंसान होता है इसको अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए, ठीक है, अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा एक रिलेशनशिप, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ये जो इंसान होते हैं बहुत समझदार होते हैं। तो आप अपनी लाइफ में ओवरऑल सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको वो सब कुछ मिलेगा, गॉड आपको देंगे। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, और यस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी आ रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है, तो हो सकता है कि आप अनदर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनी भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, तो ये साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि आपने जितना भी स्ट्रगल करा है, चाहे आपके कनेक्शन में हो, लव लाइफ में हो, या आपके करियर में हो, आपको आपके अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। अगर आप मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पीछे जो भी था आपकी एनर्जी, आप ऐसे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में थे, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं थी, तो अब आप अपनी खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि गॉड आपके साथ हैं, ठीक है, गॉड आपको सरप्राइज करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये सरप्राइज कब मिलेगा, जब आप जो अपने काम जिस तरीके से कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपको लगे कि सब कुछ ठीक ही हो जाना है आगे, तो मैं क्यों काम करूं, ऐसा नहीं होता, काम आपको अपने करते रहने होंगे। यहाँ पर रीडिंग आई है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको आगे चलकर सफलता मिलेगी, ठीक है, और जुलाई मंथ से ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी आपने अपना हार्डशिप पीछे जो फेस किया है, जो भी मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में आई है, तो उनसे आपने काफ़ी सीखा है, और आप एक मैच्योर मैन बने हैं, ठीक है, मैच्योर मैन या वुमेन, और आप इस टाइम अपनी हाई पावर में हैं, और आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो सब कुछ आप अचीव करेंगे अब अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है बहुत लंबे समय से ना आपने अपनी लाइफ में हार्डशिप फेस की है, तो यस डेफिनेटली आपको आगे चलकर विक्ट्री मिलेगी, फिर चाहे कोई लव कनेक्शन हो या फिर आपका करियर हो, ठीक है। हो सकता है मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में आए हैं, ठीक है, और अगर आपके लव कनेक्शन की बात करूँ, वो अगर स्मूथ नहीं चल पा रहा है, तो उसमें भी बहुत जल्द बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सन कार्ड आया है लियो, तो लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर फायर साइन। आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी है ढेर सारी, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आप देखेंगे आगे चलकर, और इसी मंथ से, जुलाई मंथ से ही आपके जो भी वरीज हैं, टेंशन है, धीरे धीरे वो टेंशन दूर होती जाएंगी, और आपको गॉड गाइड करेंगे टाइम टाइम पर, और आपको यस जिस तरीके से अपने काम कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। तो आपके लिए तो बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी खुशियाँ, तो देखते हैं और क्या है आपके लिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड कार्ड, यस, तो हो सकता है कि अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो आपका पुराना कनेक्शन है या नया कनेक्शन है, पर जो भी आपकी लाइफ में आना है वो आपकी डेस्टिनी में है। आप जिस भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपके एक्स हैं, चाहे अभी आप सिंगल हैं, या आप मैरिड हैं, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आपकी पर्सन आपकी लाइफ में है वो आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड। तो ये जो इंसान है, जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, ओके, अगर आप सिंगल हैं और आपकी लाइफ में एक पर्सन आना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कपल आ गया है, द किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली आपका एक जिसके भी साथ आपका कनेक्शन है, लव कनेक्शन है, ठीक है, तो वो जो कनेक्शन है ना वो बहुत स्ट्रांग है, ओके, मैं यहाँ पर पास्ट नहीं बोलूंगी, क्योंकि पास्ट की जो एनर्जी है वो आपकी ख़त्म हो रही है, और एक न्यू साइकिल आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये न्यू पर्सन हो, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आए, और बहुतों के लिए उनके एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो उनकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, तो इनके साथ आपकी एक नई साइकिल फिर से स्टार्ट होगी, और इस बार आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यस, ये अब जुलाई से ही ना आपके बहुत अच्छे, एक लकी मंथ है ये आपके लिए, यहीं से आप अपनी और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, और आगे चलकर बहुत सारी अचीवमेंट्स आपको मिलेगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपके साथ
रेजोनेट हुई हो। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।